इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। 9 मई पाक फौज का नहीं आवाम का मुकदमा है, ये करने और करवाने वालों को आईन और कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। कोई सियासी सोच, लीडर या टोला अपनी फौज पर हमला आवर हो, कौम के शहीदों की तस्दीक करे, उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। बात सियासी जमातों में होती है, फौज का किरदार नहीं होता। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग, कहा 9 मई को आवाम और फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। चंद घंटों में सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले हुए, एक मखसूस टोला ये सारे काम करता रहेगा तो एक दिन वो अपनी फौज पर पल पड़ेगा। पुलिस ऑपरेशन के बावजूद कच्चे के डाकुओं का शहरियों को अगवा करने का सिलसिला जारी। कश्मीर के करीब तंगवानी इलाके से एक और नौजवान अगवा, डाकुओं ने मुगवी फाइक मलिक के बुरसा से 50 लाख रुपए तावान तलब किया। शहरी कहते हैं पुलिस ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, डाकू सरगर्म और पुलिस खामोश है। कच्चे के इलाके में अब तक मुगवियों की तादाद 25 से ज़्यादा हो चुकी। और अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। हाई कोर्ट के जजेज ने निशानदही की कि मुदाखलत का सिलसिला अब तक जारी है। जस्टिस सदर मिनल्लाह के हाई कोर्ट जजेस के खत पर आज खुद नोटिस की समाअत में रिमार्क्स, कहा 2018-19 में हाई कोर्ट्स का सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट का खामोशी इख्तियार करना था। तमाम हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में सियासी मुकदमात पर संगीन बातों को उजागर किया। सब मान रहे हैं मुदाखलत हुई है। एक हाई कोर्ट ने तो ये कहा कि आईन को सबोताश किया गया।